नमस्कार डॉक्टर स्पेक्ट्रा में आज हम मिस्टर पंकज का वीडियो शेयर करेंगे जो कि 22 ईयर एज के हैं। टिनाइटिस की वजह से इन्हें जो भी समस्याएं होती थी, जो आवाज़ उनके सर के बीच में बजती थी, उसके बारे में ये बताएंगे और उन्हें किस तरह से फ़ायदा हुआ ये भी वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। प्लीज़ आप ये वीडियो पूरा सुनिए। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया अपना वीडियो फीडबैक देने के लिए। थैंक यू मैम। सर आपकी उम्र कितनी है? 22 मैम, 22 के हैं। और आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? बिहार से है। ओके। ऐसे अभी असम में रहते हैं। अच्छा, आपको कब से टिनाइटिस का प्रॉब्लम था? मई महीना चल रहा था, उसका स्टार्ट हुआ था। कौन से साल में सर? 6 महीने 2021। ओके, तो आपको कुछ आइडिया है ये प्रॉब्लम आपको कैसे शुरू हुआ? मैम ऐसे शाम लॉकडाउन चल रहा था, कोई काम नहीं था, तो शाम के वक्त में अचानक से मतलब ऐसे थोड़ा सा कान में वैक्स था, तो वैक्स साफ करवाया था, मतलब सामने तो अचानक से बहुत सारा साउंड आने लगा मेरे पीछे से, राइट ईयर से। उस वक्त मेरे को लगा कि कहाँ से साउंड आ रहा है, फिर महसूस हुआ कि मेरे अंदर से साउंड आ रहा है, तो मैं सोचा कि 2-3 दिन में चला जाएगा, लेकिन गया नहीं, परमानेंट रहा गया। अच्छा, तो इस आवाज के साथ साथ और क्या क्या दिक्कतें होती थी आपको? दिक्कतें मैम बहुत होती थी, आवाज के साथ साथ मतलब कॉन्सेंट्रेट नहीं होता था, सोने में दिक्कत होता था, पूरा डिप्रेस हो गए थे, साउंड चुभन होता था, किसी से बात करने का मन नहीं करता था, और हमेशा अकेला रहने का मन करता था। ठीक है, तो आपको जब इस प्रॉब्लम का पता चला उसके बाद आपने क्या किया? ENT के पास गए थे मैम, ENT के पास, ENT के लोग दवाई वाई लिख के देता था, एकदम 2-3 ENT चेंज किए, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बोला कि सफल इलाज है। सब हमको 2-3 महीना खींच खींच के, तीन डॉक्टर कह गए हैं, तीनों 2-2 महीने आपको दवाई खिलाया है, अंग्रेजी दवाई, लेकिन साफ साफ कुछ नहीं बोला। अच्छा। उसके बाद बोलता था क्या लात में, इसका कोई इलाज नहीं है, तुमको इसके साथ जीना पड़ेगा। तो ऐसे ही डिप्रेस हो गए थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, दवाई खा के परेशान हो गए थे। अच्छा, तो फिर आपको हमारे बारे में कैसे पता चला? उसी में डिप्रेस हो गए थे पूरा, नर्स तो एक दिन अचानक से नर्स सोचे क्या कि देखते हैं इसका कोई इलाज है कि नहीं, मारे तो स्पेक्ट्रा आया, डॉक्टर स्पेक्ट्रा का शब्द बहुत आता है, लेकिन डॉक्टर स्पेक्ट्रा आया तो लगा कि ये जरूर कुछ कुछ है, इसमें कुछ है, मतलब इसको खोले हैं तो इसमें बहुत सारा फीडबैक था, फीडबैक देखने के बाद विश्वास हुआ तुरंत हम उसके बाद तुरंत 1-2 दिन में दिल्ली के लिए टिकट कटवाए और दिल्ली गए, वहीं ऑफिस से ही इलाज करवाए दिल्ली जाके। ठीक है, तो जब आपने हमारा ट्रीटमेंट लिया और शुरू किया तो आपको कब से आराम आना चालू हुआ और किस चीज में आपको लगा कि अभी बेटर हो गया है? मैम डिवाइस लेके आए तो कम से कम 1 महीना तक, तो 1 महीना के लास्ट तक आराम आया था, 15-16 दिन में उनको लगा क्या इससे आराम आया कि नहीं, लेकिन आप उधर से फोन आता था ना मैम वो फीडबैक लेने के लिए, वो विश्वास होता था, लगता था कि यार गॉड है दुनिया में ऐसा बात नहीं। पहले तो वॉइस जो है ना पूरा नेवाती हो गया, पतला हो गया, मतलब चुभन नहीं होता था अंदर में, थोड़ा सा साउंड कमा चुभन नहीं होता था और नींद अच्छा आने लगा था उसके बाद। अच्छा, तो अभी 100 में से रात रात को नींद नहीं आता था, नींद आने लगा था। अच्छा, तो अभी 100 में से कितना परसेंट आराम है आपको? 75% के बाद। ठीक है, तो हमारे ट्रीटमेंट से कोई आपको साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं हुआ? नहीं मैम, साइड इफेक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब आपके घर में सब खुश हैं? क्योंकि जब आप परेशान थे तो घर के भी सब लोग परेशान थे आपके। हाँ मैम, अब सब लोग ठीक ठाक है, अब तो हम काम पर भी आ गए हैं, पहले काम पर नहीं, 1 साल घर पर बैठे हुए थे, अब तो काम पर भी आ गए, यहाँ पर काम करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे पता है कि आपके जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम है बट उन्हें नहीं पता कहाँ जाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए,
तो आप अपने ट्रीटमेंट से उनको कुछ, जो भी आपको इस टाइम सुन रहे हैं, उनको कुछ गाइड करना चाहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए? मैम यही करना, हम तो यही कहेंगे ना कि जो भी टीनेजर्स का पेशेंट है ना, वो एलोपैथिक होम्योपैथिक इस सब में झमेला में पड़ के कुछ नहीं होने वाला है। 4 साल 10 साल खाली दवाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक डॉक्टर स्पेक्टे का थेरेपी लेगा, और थेरेपी लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, जो भी काम है वो करते रहेगा, अपना थेरेपी लेते रहेगा और बीच विश्वास करेगा, दिल में विश्वास करके चलना पड़ेगा। जितना मतलब टेंशन नहीं लेगा, विश्वास के साथ रहेगा, सब धीमे धीमे कमता चला जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा। लेकिन दवाई खाने कभी ठीक नहीं, डॉक्टर स्पेक्ट्रा में आएगा कॉन्टेक्ट करेगा तभी उसका भी नहीं। तो क्या मैं आपका ये हम लोग देखते हुए हैं जी, हम लोग भी दवाई खा कर देखे, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा, डॉक्टर स्पेक्ट्रा के यहाँ से थेरेपी लिए हैं तभी तो आज जी रहा है। नहीं तो जो भी टीनेजर्स का पेशेंट है उसका मालूम है कि जब ये होता है किसी को तक कैसा दुनिया हो जाता है। जी जी जी, तो क्या मैं आपका ये वीडियो फीडबैक अपने YouTube पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? हाँ मैम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग ठीक है। धन्यवाद, ठीक है, ओके, थैंक यू।